फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश और खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आपके रमज़ान जो है वो बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम आए हैं बाहर मार्केट में और हमें लेनी है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चों के स्कूल के लिए। साथ मुझे ये बैग वाला सेक्शन दिख गया था तो मैंने कहा यहाँ पर चेक कर लेते हैं। मैं कुछ टाइम से ढूंढ रही हूँ अपने लिए बैग और जो स्पेसिफिक मुझे बैग चाहिए ना वो मुझे नहीं मिल रहा है। ये ब्लैक वाला मुझे अच्छा लगा था लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा था तो ये तो मैंने नहीं लिया। लेकिन जो वाला मैं बैग ढूंढ रही हूँ ना वो यहाँ पर भी नहीं था। तो बस यहाँ पर मैंने ये बैग्स चेकआउट किए हैं, अपना वाला नहीं मिला तो फिर मैं चली गई हमारे किड्स वाले सेक्शन में, क्योंकि हमें लेनी थी स्कूल के लिए बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि जैसे अभी स्कूल स्टार्ट हो रही हैं, रीओपन हो रही हैं, जो न्यू एकेडमिक ईयर है वो स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो बच्चों की न्यू बुक्स जो हैं वो आ गई हैं। तो उसके लिए मुझे लेने थे कवर्स, जो ट्रांसपेरेंट कवर्स होते हैं वो लगेंगे बुक्स पर, टेक्स्ट बुक पर, नोटबुक पर, तो मुझे वो कवर्स लेने थे। साथ में जो है दोनों बच्चों की स्टेशनरी लिस्ट भी आ चुकी थी तो वो भी कुछ सामान लेना था। तो ये देखें यहाँ पर बुक्स हैं, ये सारी कुछ 65 से 70 तक बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक नोटबुक्स दोनों की। और यहाँ पर मुझे लगानी है इस पर कवर्स, तो इन कवर्स का जो है ना ये ट्रांसपेरेंट कवर्स होते हैं और साथ में ये होते हैं सेल्फ एडिसिव, ये मतलब टेप होता है इसके अगले साइड पर और वो स्टिक हो जाते हैं कवर पे। ट्रांसपेरेंट होते हैं तो बच्चे बहुत ईजीली जो है ना बुक्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बुक्स के नेम वगैरह। तो यहाँ पर ये हम लेकर आ गए हैं। और दूसरे जो कवर्स होते हैं, जो नॉर्मल हमारे ब्राउन कवर्स होते हैं जो ओल्डन टाइम्स में यूज़ होते थे, तो वो बहुत इजी होते थे लगाना। लेकिन ये वाले जो कवर्स हैं ना, ये एक तो ट्रांसपेरेंट हैं, साथ में इस पर ये एडिसिव हैं, ये सेल्फ एडिसिव है, इस पर टेप होती है एक साइड पर, तो अगर आपने यहाँ वहाँ थोड़ी सी भी गलती कर ली ना तो फिर उस पर वो बबल्स फॉर्म हो जाते हैं जो बहुत ही गंदे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से जो है कवर लगाना था मुझे सारी बुक्स पर। और इसके लिए जो है ना मुझे पूरा, मैं रात में डिनर के बाद जो मैंने स्टार्ट किया है तो मतलब सहरी तक कुछ मुझे 4-5 घंटे लगे थे, और उसके बाद ये सारी बुक्स जो हैं वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कवर लगाकर जो है ना वो फिनिश कर ली थी। साथ में ये देखिए इतना सारा कचरा जो है वो यहाँ पर, डस्टबिन जो है हमारा फुल हो चुका था। साथ में ये इतना सारा जो है ना इसका जो सेकेंड टाइप होता है, जो सेकेंड वाला टाइप पेपर होता है हमारे टेप के नीचे वाले साइड पर, वो निकल जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा एक रोल जो है वो खाली हो चुका था और दूसरा वाला रोल भी जो है ना वो बस ख़त्म ही होने वाला था कि मेरी बुक्स जो है ना वो कवर हो चुकी है सारी। तो ये तो हो गई बुक्स, जो नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स हैं। कुछ जो मिनिस्ट्री वाले सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इस्लामिक, अरबिक और यूएई, तो ये वाली बुक्स बाद में आएंगी, ये मिनिस्ट्री से आती हैं तो ये दूसरी बुक्स के साथ नहीं मिलती है, ये थोड़ा सा बाद में आती हैं, एक दो हफ्ते लेट मिलती है ये, तो उनके लिए जो है वो बाद में मैं कवर्स लगाऊंगी जब वो रिसीव होंगी। और तब तक ये मैस क्लीन करते हैं और तब तक उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टेशनरी लिस्ट जो है वो क्या क्या है जो हमने सबमिट करनी होती है। तो साल के जो स्टार्टिंग में जो है एक लिस्ट आ जाती है स्टेशनरी की, जो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो लेकर बच्चों के हाथ से सेंड करनी होती है फर्स्ट या सेकेंड डे, फर्स्ट वाले वीक में मतलब आपने सेंड कर देनी है सारी चीज़ें। और पूरा साल जो है फिर बच्चे वो अपनी लॉकर में रखते हैं चीज़ें और वहीं से जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है ये चार्ट पेपर्स, तो ये अभी 2-3 चार्ट पेपर्स हैं, इनको मैंने रबर बैंड लगा लिया है, साथ में बच्चों के लेबल वगैरह नाम के साथ क्लास के लेबल्स वगैरह लगाकर ये हमें स्कूल में फर्स्ट वाले वीक में सबमिट करने होते हैं। तो जो भी लिस्ट आई है उसके हिसाब से चीज़ें हम लेकर आ गए हैं। ये है क्लियर बैग्स, तो ये 12 क्लियर बैग्स हैं, सब्जेक्ट्स वाइज अलग अलग क्लियर बैग्स यूज़ होंगे क्लास में। साथ में ये है दोनों के लिए एक एक सीज़र, उसके बाद है क्रेयॉन्स वगैरह, क्रेयॉन्स हैं, मार्कर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। पूरा साल जो है ना बच्चे फिर ये वहीं पर क्लास में यूज़ करते हैं और फिर वहाँ पर अपने लॉकर में रख लेते हैं, तो हमें ऐसे एक दिन पहले या दो दिन पहले नहीं होता कि हाँ कल अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आपने फिर भाग कर जानी है और फिर चीज़ें लेकर आनी है, तो ये अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर ये क्ले है, साथ में सेलो टेप्स हैं, पेंसिल्स वगैरह, पेंसिल, रबर, इरेजर जो है, और शार्पनर्स वगैरह, मार्कर्स, तो वो सारी चीज़ें जो है ना ये फर्स्ट दिन पे हम लोग सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों के लिए एक एक टिश्यू बॉक्स भी थे इनकी स्टेशनरी लिस्ट में। साथ में यहाँ है हमारे मार्कर्स, ये वाइट बोर्ड मार्कर्स हैं, तो इसमें सारे कलर्स हैं, ये बहुत अच्छा सा मिल गया था, ये इसमें सारे कलर है, वरना टीचर ने कहा था ब्लैक एंड ब्लू। तो यहाँ पर हमारे 4 वाइट बोर्ड मार्कर्स आ चुके हैं, हमारे परमानेंट मार्कर्स, और उसके बाद ये अभी आते हैं शीट्स पे। तो ये है 2 पैकेट्स हैं ये ग्लिटर शीट्स के, जिसके नीचे फोम होता है और स्टिकर्स भी होते हैं, तो ये स्टिक हो जाते हैं, बच्चे ये आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ये है 2 पैक्स कलर शीट्स के, तो ये कलर पेपर्स हैं A4 साइज़ वाले,
और फिर हमारे नॉर्मल जो वाइट पेपर्स हैं तो ये उसके हैं, बच्चों को चाहिए थी जो जो पूरा हम लेते हैं ना तो उसमें 500 या 1000 शीट्स का जो पैक मिलता है, लेकिन यहाँ पर इनको इतनी ज़रूरत नहीं थी तो बस मैंने वो चीज़ें जो है ना वो सेग्रीगेट करके उनको इस तरह डिवाइड कर ली हैं, पैक्स में दो डिफरेंट पैक्स बना लिए हैं। कुछ पेपर प्लेट्स हैं और ये है हाइलाइटर्स, तो बस ये कुछ चीज़ें थी। और अब इन सारी चीज़ों को जो है ना मैं यहाँ पर इन सब पे लगाऊंगी लेबल, दोनों दो डिवीज़न होंगी इन सब चीज़ों के, दो डिवाइड करूंगी दो पैक्स में और उसके बाद मैं इस पे लगाऊंगी लेबल, बच्चों के नाम वगैरह और क्लास और सब लिख के, फिर ये जाएंगे स्कूल। तो बस यहाँ हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। ये करते करते जो है ना मुझे हो गया था सहरी का टाइम। बहुत ही सिंपल सहरी बना रही हूँ मैं आज। आज बच्चों को नहीं खाने हैं कोई पराठे वगैरह, तो उनको खानी है मलाई और ब्रेड। ब्रेड नहीं थे तो यहाँ मैंने समोन ले लिए हैं और ये है थिक क्रीम। तो इसका जो टेस्ट है ना ये बिल्कुल वो फ्रेश क्रीम होती है ना जो फ्रेश वाली मलाई होती है, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा है। मीठी नहीं होती है, फीकी सी होती है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी शुगर, इसको मिक्स करेंगे और फिर बच्चे इसको समोन के साथ जो है ना वो इन्जॉय करेंगे। साथ में इसके साथ मैं उनको दूँगी कॉर्नफ्लेक्स और अपने लिए और हस्बैंड के लिए जो मैं हम बनाएंगे हमारा नॉर्मल जो स्टेपल है सहरी वाला आइटम वो है चाय पराठा। और चाय पराठा के साथ साथ हम बनाएंगे एग सैंडविच, तो अंडा बनाते हैं चिलीज़ वगैरह डाल के और फिर उसमें हम उसको हम खाएंगे समून के साथ क्रीम चीज़ वगैरह लगाकर। और उसके बाद जो हमारा नॉर्मल जो डेली वाला चीज़ होती है जो है चाय पराठा, तो यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ और उसके बाद हम इंजॉय करेंगे अपनी सहरी। तो बस ये था हमारा छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा है तो बस एक लाइक कर दें और बस अब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।